जो हम बात कर रहे थे कि सोशल नेटवर्क जो है वो यूथ के लिए किस तरह से इंटरेक्शन और सोशलाइजेशन का एक बेहतरीन मंच है। इंटरेक्शन मतलब संवाद, लेना देना, बातचीत करना। इंटरेक्शन मतलब बातचीत और सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। इस बात पर ही पिछली कक्षा में भी चर्चा हुई थी। आज कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि सोशल नेटवर्क किस तरह से आपको, युवाओं को मंच देता है जुड़ने का। लेकिन उसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि इसके दुष्प्रभाव क्या है युवाओं के ऊपर। तो पिछली कक्षा में तो हमने बात किया था कि किस तरह से आप इसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकती हैं अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो इसकी खामियों को या इसके बुरे प्रभाव को दर्शाती है। सो पहली बात है कि अध्ययन की गति शिथिल हो जाती है। जब बच्चा हमेशा हर चीज़ सोशल नेटवर्क के जरिए ही ढूंढता है या पाना चाहता है तो उसके सेल्फ स्टडी की जो गति होती है वो थोड़ी सी शिथिल हो जाती है, थोड़ा सा वो धीमा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे जो भी चाहिए जानकारी वो सारी चीज़ें उसको सोशल नेटवर्क पर मिल जाएंगी, तो उसकी अध्ययन की जो है गति वो प्रभावित होती है। दूसरा है ध्यान का भंग होना। एक कंसंट्रेशन पावर चाहिए आपको पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए, पर सोशल नेटवर्क कभी कभी आपके ध्यान को भी भंग करता है, तोड़ता है। हमेशा आपको लगता है कोई मैसेज आया या कोई मैसेज लिखना है या किसी का फोन आ गया या किसी का कोई वीडियो आया है वो देखना है, तो हमेशा कहीं ना कहीं आपका ध्यान वो अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है अध्ययन पर बुरा असर पड़ता है। तीसरी बात है समाजीकरण में बाधा। बच्चे मोबाइल के जरिए, सोशल नेटवर्क की बात करें तो क्या है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, वीडियो है, लैपटॉप है और टैब है, यही सारी चीज़ें हैं, माध्यम जो है यही सारी चीज़ें हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि युवा वर्ग उसी में सिमटे होते हैं, उनकी दुनिया उन्हें लगती है कि वहीं से शुरू हो रही है, वहीं पे ख़त्म हो रही है। उससे क्या होता है, समाज से, परिवार से वो थोड़े से कट जाते हैं। तो समाजीकरण भी एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो समाज में भी जाए, बैठे, घुले मिले, बातचीत करें, पर उस जगह में बाधा पहुँचती है क्योंकि बच्चा उसी जगह में या युवा उसी जगह में सिमट जाता है। उसके बाद है भाषाई अशुद्धता। मैसेज कीजिए, किस तरह से मैसेज करते हैं हम लोग, आप लोग इंग्लिश को भी हिंदी में लिखते हैं, हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा विज्ञान के शिक्षक के लिए ये चिंता की विषय है कि सोशल नेटवर्क के कारण जो भाषा है, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों ही भाषा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हिंदी देवनागरी लिपि में बच्चे लिखते ही नहीं हैं, आप लोग भी जब जवाब देते हैं तो हिंदी वाली चीज़ों को अंग्रेजी वाले ही फॉन्ट में लिखते हैं। फिर अंग्रेजी में भी जब कोई बच्चा लिखता है तो हैव को एच वी लिखता है, इम्पोर्टेंस को आई एन लिख देता है, मतलब बहुत ही शॉर्टकट में हम काम चलाते हैं। तो भाषाई अशुद्धता भी इसके कारण देखी जा रही है। दूसरी बात है लेखन कौशल में बाधा। कोई लिखना नहीं चाहता है, तुरंत तुरंत टाइप किया या जैसे तैसे बोल दिया या रिकॉर्ड कर लिया, तो हम क्या करते हैं, लेखन कौशल जो बहुत ज़रूरी है एक शैक्षणिक व्यवस्था में, पठन कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल और श्रवण कौशल, ये चार कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेखन कौशल में बाधा पहुँचती है क्योंकि सोशल नेटवर्क आपको आज़ादी दिया हुआ है, आप किसी भी तरह से अपनी सूचना को प्रेषित कर देते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं और अगर लिखते भी हैं तो सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर क्या है, भ्रमात्मक जानकारी। जाहिर है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्क इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, सो एनीवन कैन राइट एनीथिंग ओवर देयर, और जो पढ़ने वाला है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो क्या होता है कि उस सूचना को सच समझ कर प्रभावित हो जाता है। कहीं ना कहीं उस भ्रमात्मक जानकारी के कारण युवाओं के मस्तिष्क पर, उनकी कार्यशैली पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और सबसे लास्ट में है जो पॉइंट, वो है सेहत पर बुरा असर। इसको आप अच्छे से एलोबरेट कर सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो। आँखों पर बुरा असर पड़ता है, आपका जो शारीरिक मुद्रा है वो एक निश्चित आकार में ही लगा रहता है, जब आप यूज़ करते हो तो आपके नसों पर खिंचाव आता है, आपके ध्यान केंद्रण की बात तो हो ही गई थी, आँखों पे, गर्दन पे बुरा असर पड़ता है और नसों पर भी बुरा असर पड़ता है, उंगलियों पर आप पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि आप बार बार टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर का जो सेहत है वो भी बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ जाता है। निद्रा का अभाव होता है,
जब आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कीजिएगा या रात को भी आप ऑन रखिएगा अपने नेट को, तो क्या होगा, नींद में खलल पहुँचेगी और अच्छी नींद नहीं आएगी तो ऐसे भी 10 तरह की बीमारियाँ होंगी। तो कहीं ना कहीं जब आप बुरे तरीके से इसे यूज़ करते हो, अगर आप इसके मास्टर हो तो ठीक है, पर अगर ये आपका मास्टर हो जाता है, अगर ये आपका मालिक बन जाता है तो बात बिगड़ जाती है। तो सेहत पर भी सोशल नेटवर्किंग साइट का बुरा असर पड़ता है। इट्स अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग सोशल नेटवर्क साइट फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर इन्हेंसमेंट, फॉर योर एम्पावरमेंट। इट्स अप टू यू। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट वेरी केयरफुली एंड वाइजली, देन इट विल गिव यू बैड इफेक्ट ऑन योर लाइफ ऑल्सो एंड एज वेल एज ऑन योर सेहत, ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। तो ये आप पर है कि आप इसको कैसे उपयोग में अपने जीवन में लाते हैं।